नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का वीडियो होने वाला है, आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि जो जेएनवी क्लासिक्स सन 2022 का फॉर्म कब तक आएगा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सन 2022 में फॉर्म भरने के लिए बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और बच्चा कोई भी बच्चा कैसे जेएनवी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि हम जेएनवी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय की संस्था जो बच्चों चल रही है, वो खास तौर पे ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पे मतलब जोर देने के लिए संस्था की शुरुआत किया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में कुल 661 जेएनवी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें से 645 इस समय कार्यरत हैं, बाकी इस और सभी अभी कुछ बन रहे होंगे, कुछ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो अभी वो बंद है, लेकिन 645 इस समय कार्यरत है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का निरंतर एडमिशन किया जा रहा है, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन लोगों की प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अब बात करते हैं ये कि कोई भी बच्चा जेएनवी क्लासिक्स में एडमिशन कैसे ले सकता है, उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका भी आप लोग को हम बताने वाले हैं कि सन 2022 क्लास सिक्स सन 2022 की आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और कौन सा बच्चा है जो सन 2022 में फॉर्म भर सकता है और कौन सा बच्चा नहीं भर सकता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो अभी जेएनवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन पेपर वो लेकर नहीं आई है, और कुछ बच्चों को मतलब उल्टी सीधी अफवाह भी उड़ाई जा रही है कि जेएनवी का पेपर जो है जो उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जेएनवी के पेपर का रिजल्ट नहीं आया, ये सब गलत बात है, ठीक है, क्योंकि यदि रिजल्ट आता तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहले पता चल जाता। तो देखिए, मैं ये बात कर रही थी बच्चों की जेएनवी क्लास सिक्स का और जो सन 2022 का पेपर के बारे में, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, न तो रिजल्ट को लेकर ही कोई नोटिफिकेशन आई, ये सब बहुत ही गलत बातें, अफवाहें मत ना फैलाएं, बच्चों को गुमराह ना किया जाए, क्योंकि देखिए मैंने अभी तक रिजल्ट पे कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने अनुमानित किया था, गेस किया था कि आप लोग का सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, मैंने कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी, मैंने कोई भी देखिए अभी तक मैंने जेएनवी पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों पेपर हो चुका है, रिजल्ट आना होगा, जब आ जाएगा फालतू में टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, इससे अच्छा हम लोग कुछ सीखते रहे, तो मैंने हर दिन आप लोग कुछ नया ही सिखाया है। आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज क्यों बना रही हूँ, तो एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया था कि मैम प्लीज बता दीजिए, उस पर एक वीडियो बना दीजिए कि सन 2022 का फॉर्म कब तक आएगा। तो मैं बता दूं, जिसने भी मेरे पास कमेंट किया था, देखिए हर साल अक्टूबर लास्ट अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म आता है, एवरी ईयर हर साल लास्ट अक्टूबर तक फॉर्म जारी कर दिया जाता है, तो इस बार भी यही होगा। जो है मैंने यहाँ पे सर्च किया था, थोड़ा बहुत जानकारी हुई थी कि 23 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक, ठीक है, ये है हमारे फॉर्म की डेट सन 2022 है, और बच्चों ये एग्जैक्ट भी है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि अक्टूबर में ही डेट एग्जाम की निकल के आती भी है, तो 23 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक हमारे अप्लीकेशन की जो मतलब फॉर्म अप्लाई करने की डेट होती है। और मैं अगर बताऊं आप लोगों को तो बच्चा कैसे फॉर्म डाल सकता है, कि कौन सा बच्चा इसमें जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, चाहे आप सरकारी स्कूल में हो, चाहे तो आप प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो, लेकिन आप भाई फाइव का बच्चा फिफ्थ में रहेगा तभी वहाँ पर उसका सिक्स में एडमिशन होगा, तो उसके लिए पहली बात तो आप जिस भी स्कूल से हो उसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप जिस भी स्कूल में हो वहां पे आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों लगातार किए हो, मतलब 3, 4, 5 यदि आपका एक ही स्कूल से है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते, बिकॉज बच्चों जब आप पास हो जाएंगे तो आप 3, 4, 5 सभी की मार्कशीट मांग लेता है और 5 की टीसी मांग लेता है। तो इस स्थिति में यदि आप एक स्कूल से पता चला 3 मैंने सरकारी से किया है, 4 के बाद प्राइवेट में आ गए हैं, तो इस स्थिति में आपका फॉर्म आप नहीं डाल सकते, आप इच्छुक तो हैं लेकिन भर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए कोई दूसरा उपाय है तो आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ जो बच्चा एक बार फॉर्म दे चुका है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, खास तौर पे तो जिस डिस्ट्रिक्ट में भरा था उस डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, अदर डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात करूँ कि एज सीमा क्या होनी चाहिए बच्चों की, तो एज सीमा जो होनी चाहिए वो
1 मई सन 2008 से लेकर एज सीमा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 अप्रैल सन 2012। अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप जेएनवी क्लास सिक्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों ने आधार कार्ड वगैरह तो बनवा ही लिया होगा, तो अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप पेपर नहीं दे सकते हो जेएनवी क्लास सिक्स का। हाँ, अगर ये और ये डेट भी है तब पर भी आप भर सकते हो, इन दोनों को भी लिया जाता, वो मैटर नहीं करता है कि आप रिजल्ट आया तो भाई इसे इससे बाहर हो गए तो वो बात की बात है। भाई जब मैंने भरा था तो इसी के बीच में था ना, ये मैटर करेगा कि आप जिस समय फॉर्म भर रहे थे क्या उस समय आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके इनके बीच थी कि नहीं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1 मई सन 2008 और 30 अप्रैल सन 2012 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 से 12 साल 13 साल तक बच्चों को लिया जाता है, तो उससे आप लोग 9 से कम ना रहे, 13 से ज़्यादा ना रहे, अन्यथा आपका एडमिशन रोक दिया जाता है। पास तो हो जाओगे लेकिन एडमिशन नहीं होने दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यही हो गई कि आप एक ही स्कूल से 3, 4, 5 तक पूरा पढ़े हों, और साथ ही साथ आपकी एज भी मैटर करती है वहाँ पे, एज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है आपके लिए। तो उस समय तो आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक ने कभी मेरे पास कमेंट किया था, उसके मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया भी था, शायद उसे नहीं समझ में आया हो, बट उसने ये पूछा था कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, समथिंग उसकी कोई सिस्टर वगैरह थी ना, तो उसकी सिस्टर जो थी वो अलग डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरी थी। देखिए अब मैटर ये हो जाता है बच्चों कि सपोज करिए मेरा जो घर है वो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बट मैंने फॉर्म प्रतापगढ़ से डाला है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई यदि आपका घर कहाँ है, इलाहाबाद में, फॉर्म प्रतापगढ़ से डाला, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, जब आप पास करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें प्रतापगढ़ की ही दिखानी पड़ेगी। आप अपना कोई रिलेशन प्रतापगढ़ में ढूंढ लेना, वहीं से सारी चीज़ों को दिखा देना, तो एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अन्यथा आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, पता तो आपको डालना ही पड़ेगा, और फॉर्म प्रतापगढ़ से भरेंगे तो नवोदय वाले एडमिशन को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, भाई तुम इलाहाबाद से हो तो प्रतापगढ़ में क्या करने आए, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई मैं अपने रिलेशनशिप में रहता था, यहीं से मैंने फॉर्म डाला था, यहीं से। तो वहाँ पे जो आपके पास होने के बाद एक ठू काफ़ी अच्छा, मतलब कुछ पेस्ट के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो तहसील का काम, हॉस्पिटल का काम सब आप प्रतापगढ़ से ही करवाइएगा, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस बात का, आप थोड़ा सा बस रिलेशन कोई ढूंढ लीजिएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म भर रहे हो, निवासी आप चाहे जहाँ के भी हो। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है जेएनवी क्लास सिक्स के लिए और कौन सा बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। तो सबसे मेन बात तो उसे 3, 4, 5 एक ही स्कूल में होना जरूरी है, वो भी वो जिस स्कूल से हो, इस स्कूल को मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर मान्यता नहीं प्राप्त है, आपने फॉर्म भर दिया, सपोज करिए सारी आप चीज़ों को मान रहे हैं, इसके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 3, 4, 5 आप एक ही स्कूल से किए, लेकिन अगर आपकी उस स्कूल को मान्यता नहीं प्राप्त है तो आपके मतलब जो आप फॉर्म डालोगे उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का पहले तो होता क्या था कि पहले तो सारे काम ऑफलाइन होते थे, पहले तो हो जाता था, अब ऑनलाइन है। जिस अब जब फॉर्म भरने जाएंगे ना आप लोग, तो अगर इनके और इनके बी इनके इस मान लीजिए इसके इधर और उसके उधर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी ना, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेगा ही नहीं, ऐसे ही निरस्त कर देगा। और यदि आप सपोज करिए कि किसी भी स्कूल से हैं, तो जिस स्कूल में हैं आप, यदि उसकी मान्यता नहीं प्राप्त है, आप वहाँ फॉर्म भराने जाओगे ना, तो ऑप्शन दिया रहता है स्कूल, उस ऑप्शन में आपके स्कूल का नाम ही नहीं रहेगा, तो आप वैसे भी नहीं भर पाओगे। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ ऑनलाइन में, अच्छा भी रहता है। वैसे भी तो कोई कुछ भी भर देते थे ऑफलाइन में, अब ऑनलाइन में सारी चीज़ें निश्चित कर दी गई है। ऑनलाइन में भी डेट ऑफ बर्थ इसी के बीच रख देता है कि अगर है नहीं तो एप्लीकेशन आप मतलब फॉर्म आप नहीं डाल सकते हो। और ये इस सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ये मैटर करेगी आपसे 3 का, जानते हैं क्या पूछ लेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो 3 आप जिस स्कूल में आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो, 3 कक्षा 3 में किस महीने में एडमिशन लिया था, किस तारीख को एडमिशन लिया था, और कक्षा 3 कब पास किए, 4 में कब आए, 5, 4 पास कब किया, 5 में किस तारीख को आए और 5 पास कब किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरनी पड़ती है। पास होने के बाद इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो आपसे 3, 4, 5 की मार्कशीट मांग लेता है, मतलब कि रिजल्ट मांग लेता है, और वो यही देखता है क्या एक ही स्कूल का है या फिर नहीं, सबकी फोटोकॉपी आपको जमा करनी पड़ती है पास होने के
बाद, पहले ऐसा कुछ नहीं सिस्टम। पहले तो बस आप लोगों को इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो डेट ऑफ बर्थ दी रहे उसके बीच होना चाहिए, 3-4-5 एक ही स्कूल से होना चाहिए, दोबारा फॉर्म ना डाले हूँ बस, बाकी और कुछ खास मांगता नहीं। पास होने के बाद काफी ज्यादा सिस्टम हो जाते हैं, अगर आप पास भी हो गए हैं तो नहीं जा पाओगे, अगर आपके पीछे कोई लगने वाला नहीं है तो, अगर आपके मम्मी पापा एक्टिव हैं दौड़ दौड़ के सारा काम कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चे को पास होने से भेजे तक में बहुत लंबा सफर हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ से जो हमारा भाई जहाँ पढ़ता है मेजा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, तो यहाँ से वहाँ तक का 80 किलोमीटर का सफर है। कोई भी काम हो तो पहले जब पास हो गए तो एक बार वो बुलाएंगे, वहाँ पे आपका टेस्ट कराएंगे, वहाँ भी आपसे वो कुछ पूछेंगे, जैसे कि आपसे 17 का पहाड़ा पूछ सकते हैं। अगर आप कहोगे मैं सरकारी स्कूल से हूँ तो आपसे सरकारी स्कूल की एक इंग्लिश में पोयम पूछ लेते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं जब गई थी तो मुझसे कुछ नहीं पूछा गया था, मेरी हाइट वगैरह देख के, बॉडी फिगर देख के रेड मेडिकल दिया गया था। तो लेकिन मुझसे पहले जो बच्ची गई थी ना उनसे देख रहे थे, किसी से उसके सेंटर का नाम पूछा गया था तो सेंटर का नाम ही नहीं बता पा रहे, जैसे आप लोग पेपर दे के आए हो ना अभी, तो किस सेंटर पे पेपर दे के आए हो, तो उन बच्चों को ना यही नहीं पता रहता था कि किस सेंटर में पेपर दे के आए हैं, फिर भी एडमिशन हो जाता। देखिए रोकेंगे नहीं, अगर आपसे 17 का पहाड़ा पूछ लिया आप नहीं सुना पाओ ना तो एडमिशन रोकते नहीं, ठीक है। वो केवल भाई मैंने मेन इंटरेस्ट तो पास कर लिया था, वो केवल मनोरंजन के लिए पूछते हैं, वो केवल ये देखना चाह रहे थे क्या वाकई में बच्चे में काबिलियत है भी या नहीं, वो खाली बस यही देखना चाहते हैं। आपका अगर नहीं भी सुनाओगे तो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। तो बस काफ़ी सारी इतनी चीज़ों में आप जेएनवी जा सकते हो। पास होने के बाद काफ़ी ज़्यादा टिटिम्मा फैलता है, एक बार रिजल्ट आ जाए मैं आपको साफ, एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया कि मैम बता दीजिए कि पास होने के बाद कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अरे भाई पहले पास तो हो, फालतू में डॉक्यूमेंट तो बनवा लिए, सपोज करिए आप पास ही नहीं तो पैसा खराब चला जाएगा ना, तो क्या फ़ायदा भाई, पहले पास हो जाइए उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट धीरे धीरे इकट्ठा कर लीजिए, तुरंत तो आपको बुला नहीं लेंगे, टाइम देते हैं। और पहली बात रिजल्ट निकलने के 2-3 दिन बाद आपको एक बार बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, कहेंगे इसे आप इतने दिन में पूरा भरिए तो उसी में आप सब बनवा लीजिएगा, उसमें आपकी मेडिकल जांच भी करने के लिए कहेंगे तो सब करवा लीजिएगा। अभी पहले ही कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, यही 3-4-5 की मार्कशीट मांग लेता है, 5 की TC मांग लेता है बस, और आपसे स्कूल से और कोई काम नहीं होता है, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो सब बनवा के दे ही देगा, मेडिकल आपके सरकारी हॉस्पिटल में हो जाएगा, तहसील का काम कुछ रहता है, जो आपका तहसीलदार होगा वो सिग्नेचर मुहर कर देगा बस, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट करवा लोगे। तो आई होप सारी बातें आप लोग को समझ आ गई होगी, क्या एलिजिबिलिटी है सारी बातें आप लोग समझ गए होगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मैं इस पे नवोदय की काफ़ी सारी नोटिफिकेशन देती रहती हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पता चलेगी। तो अभी देखिए नवोदय का पेपर खत्म हो चुका है, अब कुछ ही दिन में आपके सिलेबस मतलब सन 2022 की तैयारी के लिए फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट बच्चों अभी नहीं, 1-2 महीने बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे जानते हैं कब एक्टिव होते हैं, बच्चे तब एक्टिव होते हैं जब पेपर नज़दीक आ जाता है, तो फालतू में भी मेहनत करने से क्या फायदा, जब आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार होंगे तब हम लोग भी आएंगे। लेकिन हाँ हम आज आप लोग को रोज़ कुछ नया नया सिखाते रहते हैं, तो इसलिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।